हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और ये है केपलर 452 और ये है टैबी स्टार। दोनों भी स्टार्स लगभग सेम आकार और सेम टाइप के हैं और यहां तक कि पृथ्वी से सेम दूरी पर भी है। येट ये जो टैबी स्टार है ना, ये यहां पर हमें डिम दिखाई दे रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बदलाव इस सितारे में सिर्फ पिछले ही कुछ सालों में आया है। अब जैसे आपको पता होगा, साइंटिस्ट मोस्टली ऐसे ही अननेचुरल और अनएक्सप्लेन्ड हालातों में डिम हो रहे स्टार्स की तलाश में रहते हैं, क्योंकि इनसे दो मुख्य बातें पता चलती है। एक तो हमें स्पेस के नए और अनदेखे घटनाओं के बारे में पता चलता है, और दूसरा एक पॉपुलर थियरी के अनुसार अगर कहीं कोई एडवांस सिविलाइजेशन रह रही है तो ऐसे डिम स्टार्स उनकी पहचान के एक सबूत हो सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि उस स्टार की एनर्जी चूसने के लिए किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने उसे एक मेगा स्ट्रक्चर डाइसन स्फीयर से कवर किया हो। अब यू नो व्हाट्स द वियर्ड पार्ट, साइंटिस्टों को टैबीज के केस में ऐसा लगता है कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक पूरे स्टार को ढक सके एक इतना विशाल मेगा स्ट्रक्चर बनाना किसी सिविलाइजेशन के लिए पॉसिबल भी है क्या? क्योंकि किसी भी स्टार के सामने उसके इर्द गिर्द घूम रहे प्लैनेट्स ऑलमोस्ट एक डस्ट के पार्टिकल जितने छोटे होते हैं। इनफैक्ट अगर हम हमारे सूरज के ही इर्द गिर्द एक डाइसन स्फीयर बनाने जाए तो उसका साइज इतना बड़ा होगा कि उसका रेडियस हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट तक चला जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज, आखिर कोई सभ्य था इतने बड़े स्ट्रक्चर के लिए रिसोर्सेज लाएगी कहां से? और सपोज अगर फ्यूचर में हम ऐसा ही कोई अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाना भी चाहे तो हमें क्या क्या इंजीनियरिंग और टेक्निकल डिफिकल्टीज आएंगी? क्या इन्हें ओवरकम कर पाना संभव भी हो पाएगा? वेल, इन्हीं सारे फैसिनेटिंग सवालों का सेंस बनाने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर किसी स्टार को आर्टिफिशियली मैनमेड स्ट्रक्चर से ढकने का इतना फार फेच्ड आइडिया पैदा ही कैसे और किन हालातों में हुआ। क्योंकि देखो, आज से 600 साल पहले लियोनार्डो डा विंची ने भी जब एक वर्किंग हेलीकॉप्टर का पोर्ट्रेट बनाया था तो भले ही उस वक्त किसी भी तरह के प्लेन्स नहीं थे, बट एटलीस्ट उस वक्त पक्षियां तो थे जिन्हें वो अक्सर पंख फड़फड़ाकर उड़ते हुए देखा करते थे। लेकिन डाइसन स्फीयर के केस में तो हमारे आसपास ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है, और इसीलिए मैं अगेन पूछता हूं कि आखिर इस आइडिया के पीछे का इंस्पिरेशन क्या रहा होगा, और जिसे भी ये आइडिया पहली बार आया उसने क्या सोचकर इसे लोगों के सामने रखा होगा। तो देखो, mid-1950s तक ना सैटेलाइट्स की बैटरीज यूजुअली पृथ्वी पर चार्ज की जाती थी, और एक बार अगर वो ड्रेन हो जाए तो टेक्निकली वो सैटेलाइट को डिस्पोज कर दिया जाता था और स्पेस जंक या डिब्रीज का वो हिस्सा बन जाती थी। लेकिन फिर साल 1958 में नासा ने दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया कॉल्ड वैनगार्ड 1, जो सोलर पैनल्स के जरिए अपने बैटरीज को स्पेस में ही चार्ज कर सकता था। अब हालांकि ये लॉन्च डाइसन स्फीयर के विषय से डायरेक्टली कहीं पर भी रिलेटेड नहीं था, लेकिन इस लॉन्च के दौरान नासा के एक साइंटिस्ट फ्रीमैन डाइसन के मन में एक बहुत ही वियर्ड सा सवाल आया। व्हाट इफ हम इंसानों ने इन सैटेलाइट्स की तरह पहले तो सूरज के इर्द गिर्द सोलर पैनल्स को लॉन्च कर दिया, दूसरा उन सभी सोलर पैनल्स को कनेक्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया, और फिर तीसरा स्टेप उस स्फीयर के जरिए सूरज की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो अब क्योंकि उस समय साइंटिस्ट अच्छे से ये जानते थे कि सूरज की टोटल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ आधी एनर्जी ही पृथ्वी की सतह तक पेनिट्रेट हो पाती है, और उसमें से भी हमारे मॉडर्न सोलर पैनल्स सिर्फ 20% एनर्जी को ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। सो इवन एट करंट एफिशिएंसी सूरज को चारों ओर से चूसना हमें एटलीस्ट 5 से 10 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता था। एंड इतनी ज्यादा एनर्जी का मतलब क्या होता है? Well, इतने एनर्जी से हम पूरे पृथ्वी को 1 trillion years के लिए बिजली दे सकते थे, और यही वो वजह था और यही वो दौर था जब फ्रीमैन के दिमाग में इस फार फेच्ड आइडिया ने पहली बार जन्म लिया। अब ऑब्वियसली ये आइडिया अगर इतना फायदेमंद है तो एक पॉइंट पर जब हमें पृथ्वी पर पड़ती सन की एनर्जी कम लगने लगेगी तो हमें शायद इसी आइडिया को यूज करना पड़ेगा। और क्या अगर हम इसे यूज करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि कोई हमसे भी एडवांस्ड एलियन सभ्यता इसे ऑलरेडी यूज कर रही है? सो ग्रेट, यानी कि किसी एक स्टार के अराउंड डाइसन स्फीयर या ऐसे किसी स्ट्रक्चर का डिटेक्ट होना उस सोलर सिस्टम में एक एडवांस सिविलाइजेशन के प्रेजेंस को दर्शा सकता है, और यही वो दूसरी वजह थी कि फ्रीमैन डाइसन का ये डाइसन स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट बिकेम अ ह्यूज ब्रेक थ्रू ऑफ दैट टाइम।
और उन दिनों इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को ढूंढना जैसे उस समय के कॉस्मोलॉजिस्ट का एक ऑब्सेशन बन गया था। यानी कि अब तक जो सभी कंट्रीज एलियंस की खोज में बस अंधेरे में तीर चला रहे थे, अब फ्रीमैन के इस आइडिया की वजह से उन्हें एक डायरेक्शन मिल गया था। अब उन्हें खुले ब्रह्मांड में सिर्फ यही ढूंढना था कि कौन से स्टार्स हद से ज्यादा डिम हो रहे और कौन से स्टार्स नॉर्मली टिमटिमा रहे। एंड फाइनली कई सालों की खोज के बाद 2015 में नासा को एक ऐसा स्टार मिला जिसकी ब्राइटनेस हद से ज्यादा कम थी। सो क्या इसके पीछे किसी एलियन सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया एक डाइसन स्फीयर हो सकता है? वेल, उससे पहले हमें इस थियरी को स्ट्रॉन्गली एनालाइज करना होगा और हमें स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स और एविडेंसेस लगेंगे कि क्या डाइसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर को बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। लेट्स से आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम हाइपोथेटिकली इसे बनाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होगा। वेल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग के हिसाब से फ्रीमैन का मॉडल एकदम इम्प्रैक्टिकल है। दरअसल आर्मस्ट्रॉन्ग कई सालों से इंसान कैसे पृथ्वी के अलावा बाकी जगहों को कॉलोनाइज कर सकता है इसके अलग अलग सॉल्यूशंस पर काम कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने फ्रीमैन के डाइसन स्फीयर के डिजाइन को भी स्टडी किया और तब उन्हें एहसास हुआ कि इस डिजाइन में दो मेजर फ्लॉज है। पहला, इतना विशाल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कम से कम जुपिटर के मास जितना तो सिर्फ मटीरियल लगेगा। और अगर आपको ये कितना मटीरियल है इसका अंदाजा नहीं हो रहा तो लेट मी रिमाइंड यू, जिस गोले पर आप खड़े हो और आप इसके एक डायरेक्शन में क्षितिज पार नहीं देख सकते हो, इसी अर्थ के साइज के 1300 प्लैनेट्स एक जुपिटर में फिट हो सकते हैं। और दूसरा मेजर फ्लॉ, अगर गलती से भी स्फीयर के एक भी पार्ट से कोई एस्ट्रॉइड टकराया तो पूरा स्ट्रक्चर डिसबैलेंस होकर पलक झपकाते ही सन में गिर जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आर्मस्ट्रॉन्ग का ये एनालिसिस डाइसन स्फीयर के आइडिया के लिए एक मेजर सेटबैक था, बट नॉट कंप्लीटली, क्योंकि इस सेटबैक से कमबैक का रास्ता भी उन्होंने ही दिया। फ्रीमैन के आइडिया को पूरी तरह से खारिज करने के बजाय आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसे सॉल्व करने के लिए एक नया डिजाइन बनाया जो इंडिविजुअल और सेपरेट सोलर पैनल्स की मदद से सन की पूरी एनर्जी को प्रैक्टिकली निचोड़ सकता था। इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया डाइसन स्वार्म। बेसिकली आर्मस्ट्रॉन्ग के हिसाब से हम पूरे सन को कवर करने के बजाय सिर्फ कुछ ही एरियाज में सोलर पैनल्स लगाकर वहां से सन की पूरी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस नए स्ट्रक्चर के मुताबिक 1 करोड़ सोलर पैनल्स इंडिविजुअली रिंग्स के रूप में सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे। इन सोलर पैनल्स का मेजर एरिया रिफ्लेक्टर से कवर होगा और वो फिर आगे सनलाइट को सोलर सेल्स पर केंद्रित करेंगे ताकि इससे एनर्जी जनरेट हो और फिर इस पूरे एनर्जी को माइक्रोवेव रेडिएशंस में कन्वर्ट करके वो पृथ्वी के तरफ बीम्स के रूप में भेजेंगे। अब स्पेसिफिकली यहाँ पर माइक्रोवेव रेडिएशंस ही इसीलिए क्योंकि इससे विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पार कर सकते हैं और इनमें से रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और अगर ऐसे में एनर्जी ट्रांसमिशन रेडियो वेव से हुआ तो कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस के प्रॉब्लम्स आएंगे और विजिबल लाइट तो एटमॉस्फेयर में आते ही स्कैटर हो जाती है, तो इस स्पेक्ट्रम के जरिए एनर्जी को भेजना कोई सेंस नहीं बनाता और इसीलिए माइक्रोवेव्स को चुना गया। डाइसन स्वार्म से आ रही एनर्जी माइक्रोवेव रेडिएशंस के रूप में पृथ्वी पर आएगी जिसके बाद उन रेडिएशंस को दोबारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में तब्दील करके उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस पूरे डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई एस्ट्रॉइड किसी सोलर पैनल से टकरा भी जाता है तो सिर्फ वही सोलर पैनल डिस्ट्रॉय होगा और ना कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आर्मस्ट्रॉन्ग के एक छोटे से चेंज ने इस डाइसन स्फीयर के एक मेजर फ्लॉ को एलिमिनेट कर दिया। बट स्टिल दिस इज जस्ट पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, क्योंकि डाइसन स्वार्म से एनर्जी पृथ्वी पर लाने से भी पहले का क्रूशियल स्टेप होगा इन 1 करोड़ सोलर पैनल्स को कैसे बनाकर स्पेस में भेजा जाए। इतने बड़े मेगा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लगने वाले रिसोर्सेस आखिर हम कहां से लाएंगे? सो आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब डाइसन स्वार्म बनाने के लिए लगने वाले मटेरियल्स का मास कैलकुलेट किया तब उन्हें पता चला कि भले ही वो छोटे छोटे सैटेलाइट्स का एक रिंग बना रहे हो फिर भी इसे बनाने के लिए लगभग डाइसन स्फीयर बनाने जितने ही मटेरियल्स लगेंगे और अगर हमें इतने मटेरियल्स चाहिए तो हमें मर्क्यूरी और मार्स से मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए हमें सोलर पैनल्स का कंस्ट्रक्शन सेटअप इन दोनों प्लैनेट्स पर ही डेवलप करना होगा। साथ ही वहां पर पैनल्स को बिल्ड करने के बाद उन्हें डायरेक्टली सन की ओर लॉन्च करने के लिए रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी सेटअप करना पड़ेगा, विच मींस इन शॉर्ट ये पूरा प्रोसेस हम इंसानों के लिए सिर्फ तभी ही पॉसिबल होगा जब हमारे लिए दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर रहना किसी दूसरे देश में जाकर रहना जितना सिंपल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ उसी केस में हम वहां पर डाइसन स्वार्म को बनाने के और लॉन्च करने के सेटअप्स एस्टैब्लिश कर पाएंगे। और कई साइंटिस्टों का तो ये कहना है कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन को लगभग 1000 सालों का वक्त लग जाएगा। यानी कि ऑल इन ऑल
डाइसन स्फीयर या डाइसन स्वार्म जैसा ही कोई आधुनिक मेगा स्ट्रक्चर बनाना और उसकी मदद से स्टार की एनर्जी को निचोड़ना फिलहाल के लिए हमारे लिए क्या किसी भी एलियन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही मुश्किल अपीयर हो रहा है। और इसी वजह से ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि 2015 में जो टैबी स्टार डिम नजर आ रहा था वो मोस्ट प्रोबेबली किसी डाइसन स्फीयर के वजह से नहीं बल्कि किसी डस्ट क्लाउड के वजह से शायद डिम दिख रहा हो। After all, ऐसा ही कुछ सिमिलर रिसेंटली बीटलज्यूस के साथ भी हो चुका है। उसके केस में भी शुरुआत में कहा जा रहा था कि वो अननेचुरली डिम हो रहा है, बट बाद में पता चला कि उसके डिम होने के पीछे एक बड़ा सा डस्ट क्लाउड था जो उसे ढक रहा था। पर चलो मान भी लेते हैं कि somehow फ्यूचर में हम इतने एडवांस हो चुके हैं, तब क्या तब भी विल इट बी वर्थ आवर एफर्ट्स? क्योंकि कुछ साइंटिस्टों के मुताबिक सिर्फ मर्क्यूरी से मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने में ही हमें इतनी एनर्जी लगेगी कि सन से मिलने वाली आधी एनर्जी हम उसी काम में खर्च कर देंगे। और इसी काम में अगर हम मार्स से भी मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करने की एनर्जी को भी जोड़ दें तो डाइसन स्वार्म से मिलने वाली एनर्जी से ज्यादा एनर्जी उसे बनाने में खर्च हो गई होगी। ये ऐसा ही हुआ जैसे आपको कोई 20,000 रुपए दे रहा है लेकिन उसे पाने के लिए आपको 40,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। This just means कि हम इस पूरे प्रोसेस में जितने efforts लगा रहे हैं उसके मुकाबले मिलने वाला result energy economics के हिसाब से कम profitable, कम फायदेमंद होगा। But yes, ऐसा भी हो सकता है कि हम ये energy economics हमारे current technological advancement के basis पर calculate कर रहे हैं और आगे advancement के साथ हम energy extraction को exponentially और efficient बना पाएंगे। Still, our idea is in a very rudimentary stage, right? और आप ही सोचो अगर हर कोई सभ्यता innovative ideas को initially सिर्फ profit और loss के तराजू में ही तोलती तो आज जितने भी scientific inventions बन पाए हैं वो कभी बन ही नहीं पाते। मिसाल के तौर पर स्पेस एक्सप्लोरेशन को ही ले लो। आज से 4000 साल पहले आउटर स्पेस में कदम रखने का आइडिया सिर्फ एक किताब तक ही सीमित था और अगर साइंटिस्ट इसे प्रॉफिट और लॉस के तराजू में तोलते तो आज भी यह आइडिया सिर्फ किताबों तक ही सीमित होता। लेकिन फॉर्चुनेटली उस वक्त कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस आइडिया को प्रॉफिट और लॉस के इक्वेशन के तौर पर देखने के बजाय एक्सप्लोरेशन और नॉलेज हासिल करने के मोटिवेशन से इस पर एक्ट किया और इसीलिए स्पेस ट्रैवल आज पॉसिबल हो पाया। अब ऑफ कोर्स ऐसे भी कई आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रेट आउट ऑफ साइंस फिक्शन जो प्रैक्टिकली फिजिक्स के कायदे कानून के हिसाब से ही पॉसिबल नहीं होते। फिर भी कई लोग ओवर एम्बिशियस होकर उसमें पैसा और टाइम बर्बाद करके अंत में कुछ हासिल नहीं कर पाते। दैट मीन्स साइंटिफिक इन्वेंशन और साइंटिफिक ब्लंडर में एक काफी थिन लाइन है जिसे समझना काफी इंपॉर्टेंट है। और यही वजह भी है कि डाइसन स्फीयर के इस कॉन्सेप्ट को उन कई आइडियाज में गिना जाता है जो फिक्शन और रियालिटी के आर्ग्यूमेंट से कई सालों से गुजर रहे हैं, बट सिर्फ हमारे लिए। क्योंकि कुछ साइंटिस्ट के अनुसार ऐसे भी कुछ हाइपर एडवांस यूनिवर्स में सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करते हैं कॉल्ड टाइप 7 सिविलाइजेशन जो लिटरली पूरे के पूरे यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो तो शायद हम जिन्हें भगवान कहते हैं वो यही बींग्स हो सकते हैं। ऐसे में उस सिविलाइजेशन के लिए डाइसन स्फीयर्स बनाना तो चुटकी बजाने जितना आसान है। अब ऐसे किसी सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस की कितनी पॉसिबिलिटी है और क्या हमें उनके प्रमाण ऑलरेडी हमारे साइंटिफिक रिसर्चेस में मिले हैं, इस पूरे इंटरेस्टिंग मुद्दे को मैंने काफी डिटेल में कवर किया है अपने इस वीडियो में जो आई वुड हाईली सजेस्ट यू शुड वॉच इट आउट। सो फ्रेंड्स, डाइसन स्फीयर का ये कॉन्सेप्ट आपको वाकई में कितना रियल लगता है अपने ओपिनियंस को नीचे कमेंट में जरूर लिखना। डू यू फील दिस वुड बी पॉसिबल इन फ्यूचर और नॉट? और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। Till then, as always, stay curious and keep learning. Jai Hind!